जायका स्पेशल में आज बन रहे हैं मीठी बूंदी की रेसिपी लेके आई हूँ। आप सभी को बेहद ही पसंद आएगी और वो भी ना इतना जल्दी से झटपट से बन के तैयार होता है कि जिसे बनाना सभी लोग बेहद पसंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने ना 1 कप बेसन इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से देख सकते हैं। आप किसी भी नाप ले सकते हो, कटोरी या गिलास या फिर कप, इस तरह से ले सकते हो आप नाप के लिए। और यहाँ पर एक कटोरी में मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और फिर 1 चम्मच यहाँ पर हम तेल डालेंगे, रिफाइंड तेल डालेंगे। और फिर इसे ना मिक्स कर लीजिए। फिर यहाँ पर 1 कप हमने पानी लिया, थोड़े थोड़े पानी को ऐड करते हुए इसका आपको घोल तैयार कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से बैटर को ना अच्छे से फेंटना है। आप हैंड मीटर जो होता है ना, उससे भी आप आराम से इसे मिक्स कर सकते हो। मैंने चम्मच से ही इसे मिक्स अच्छे से कर लिया, स्पून से। तो अच्छे से काफ़ी फेंटना है, थोड़े थोड़े पानी को ही ऐड करना है। और पूरा पानी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, 1 चम्मच, एक मतलब 1 चम्मच, 1 कप। 1 कप हमने बेसन लिया था और 1 कप ही हमने पानी इस्तेमाल किया है। 1 से 2 चम्मच हमने ना और भी इस्तेमाल, बीच में मैंने पानी इसमें ऐड किया है। तो इससे ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है। अब इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। और यहाँ चाशनी तैयार कर रही हूँ। तो एक पतीले में या भगोना, जो भी आप बोलते हो, उसमें 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी हमने इसमें डाला है। इसे घुलने तक बस इसे चाशनी बना के तैयार करना है। कोई भी एक तार की चाशनी आपको नहीं बनानी है, बस इतना होना चाहिए कि हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए। अब यहाँ पर केसर डाल लेंगे और डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हो। तो ये बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। तो इस तरह से एकदम चाशनी तैयार हो गया। अब यहाँ पर चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं, हल्का हल्का चिपचिपा सा एकदम आपको हाथों में चिपचिपा दिखेगा। तो उसी तरह से चाशनी बना के तैयार कर लेना है और उसे ढककर रख दीजिए। फिर यहाँ पर बैटर जो है, देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ना रेस्ट कर चुका है। अब एकदम इस तरह से ही बैटर को जब आप करोगे ना, तो आराम से गिरता है। तो ना ज़्यादा गाढ़ा ना पतला चाहिए, कंसिस्टेंसी इसकी ना बिल्कुल बैटर की इसी तरह से हमें चाहिए। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा 1 चुटकी यानी 1 पिंच हम इसे डाल लेंगे, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। और डालकर आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो एकदम बिल्कुल जो बैटर है ना, इसी तरह से तैयार करके रखिएगा। एकदम फ्लोइंग जो बैटर होता है ना, उस तरह से तैयार होना चाहिए। बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ झारा, जो घर में हम पूड़ियाँ छानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे इसे बनाने के लिए। और ग्रेटर, आलू ग्रेटर जो होता है ना, उसमें भी ये झारा दिया हुआ रहता है, इस तरह से देख सकते हैं, जिससे हम ग्रेट आलू उलू करते हैं। और फिर इस तरह से भी, तो आप तीनों चीज़ों से आराम से ना घर पे ही, एकदम मार्केट से भी अच्छा, घर पे ही बूंदी बना के तैयार कर सकते हो। फिर तेल हमने गरम करके यहाँ पे चेक कर लिया है। तो तेल थोड़ा सा और गरम होगा, तो थोड़ा सा मैंने तेल को और भी गरम कर लिया है। अब इसे आपको, ये जो ग्रेटर है उसे पलट लेना, जिधर चिकना साइड है ना, उस साइड आपको इसे बैटर को डालना है। और बस इसी तरह से बैटर को डालने के बाद ना आपको रखे रहना, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ना हिलाना डुलाना है, ना पटकना है, कुछ भी नहीं करना है। बस इस तरह से रखे रहिए। बैटर अगर अच्छा परफेक्ट है, तो बूंदी खुद इस तरह से गोल गोल बूंदी खुद ही गिरेगा। और एकदम एकदम मार्केट से भी, जैसा कि मैं बता रही हूँ, कि एकदम अच्छा निकलेगा। तो इस तरह से फिर आपको अच्छे से फ्राई करके इसे निकाल लीजिएगा, बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे फ्राई बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा जल्दी से, और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। पहले तेल को अच्छे से गर्म करके और तब मीडियम फ्लेम पे करके और इसे फ्राई कीजिए। फिर जो आलू चिप्स जो होता है, जिससे हम बनाते हैं, उसमें जो ये वाली बूंदी वाली जो दी रहती हुई है ना, उसमें बड़ा और छोटा दोनों ही साइज़ होता है। तो आप उस हिसाब से ना, बड़ा बनाना है तो बड़े में डालिए, छोटा बनाना है तो छोटा। पहले मैंने छोटे वाले में डाला है, फिर बड़े वाले में डाल लिया है। तो इसी तरह से आपको इसमें भी डालकर बूंदी को तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से घर पे ही बूंदी आप बना के तैयार कर सकते हो। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन ना मेरी रेसिपी की आप तक पहुंच जाए। तो इस तरह से फ्राई करके इसे भी हमने निकाल लिया है।
तो अब इसमें जो छनौटा, जिसे हम लोग ना छनौटा बोलते हैं इसे, जिसे हम पूड़ियाँ तलते हैं ना, तो उसमें अब डाल लीजिए और बस देख सकते हैं कितना आराम से सब गिरता हुआ जा रहा है। इसी तरह से गोल गोल बूंदी घर पे आराम से बना सकते हो, घर की ही रखी हुई चीज़ों से, कुछ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से घर पे गोल गोल बूंदी बनकर तैयार हो जाता है। हल्का सा कलर चेंज होने लगता है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे और फिर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बूंदी बनकर तैयार और एकदम क्रिस्पी। तो इस तरह से यहाँ पे जब आप करोगे तो बहुत अच्छा सा साउंड आता है। तो यहाँ पे मैं एक आपको क्रश करके भी दिखाऊंगी इस तरह से मसलते हुए, तो ये देख सकते हैं ना। और यहाँ पे जो चाशनी हमने तैयार करके रखा था, उसमें हमने केवड़ा एसेंस डाला है 1 से 2 चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से चाशनी यहाँ पर जो तैयार है और ठंडा हो गया है, हल्का सा ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा मत होने दीजिएगा, हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए। और फिर बूंदी को डालकर आपको 15 से 20 मिनट के लिए ना इसे बूंदी को चाशनी में डालकर छोड़ देना है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से चाशनी जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रेस्ट हो चुका है, रेस्ट कर लिया है 15 से 20 मिनट के बाद, यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी चाशनी पता नहीं चल रहा है ना, तो काफ़ी अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो गया है, बूंदी जो है काफ़ी अच्छे से सोख गया है, मतलब चाशनी के साथ सोख कर हो गया है। और यहाँ पे दिखाती हूँ एकदम गोल मटोल ना, बिल्कुल जूसी एकदम बूंदी यहाँ पर मीठी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। तो है ना, बहुत ही आसान, घर पे ही बनाना बहुत आसान है, आराम से इस तरह से मीठी बूंदी जब भी मन करे भगवान को भोग लगाइए, या फिर आपको भी खाने का मन हो ना तो इसे आप ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी बनता है, झटपट बनता है, काफ़ी कम सामान से ये चीज़ें बन के तैयार होता है, जो आपके घर में रखी हुई चीज़ें हैं ना उन्हीं से ये बनकर ये तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बेसन की बूंदी, वो भी मीठी बूंदी बनकर तैयार हो गई है, और इसे मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। और फिर यहाँ पर दिखाती हूँ कि बहुत कम चाशनी यहाँ पर बचा हुआ है, तो इस तरह से 2 से 3 चम्मच ना मुश्किल से चाशनी बच गई है। बस इसे आप नॉर्मल ऐसे ही पी जाइए, या फिर आप बूंदी के साथ भी उसे ऐसे ही डाल के भी खा सकते हो। और यहाँ पे रोस्ट किया हुआ मगज मैं ली हूँ, मगज के बीज का इस्तेमाल की हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मैं एक चीज़ और बताना भूल गई थी, जब चाशनी में मैंने डाला था केवड़ा एसेंस, तो आप उस जगह पे गुलाब जल भी डाल सकते हो। फिर यहाँ सर्व कर ले रही हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद। तो इस तरह से इस बार गणेश चतुर्थी में मीठी बूंदी बना के तैयार कीजिए, त्योहारों का समय है तो हर समय कभी भी आप इसे बना के ट्राई कर सकते हो, मीठी बूंदी घर पे ही। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से नई नई रेसिपी आप सभी के लिए मैं ना लाती रहूँगी, ट्राई खुद भी करूँगी और सब के लिए, आप लोगों के लिए भी लाऊँगी। तब तक इसे ट्राई कीजिए, थैंक यू, बाय बाय।